जय माँ काली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्रिया, उपाय, प्रयोग, आत्मज्ञान, इन सब चीजों से दूर करने के सही और ऐसा उपाय बताया जाता है जिससे आपको जीवन भर सिर्फ फायदा हो, नुकसान कभी नहीं होगा। तो आज एक ऐसा प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है मंत्र का, शक्ति का। अगर आप इसे सही तरीके से कर देंगे तो एक दिन में ही इतना चमत्कारी प्रभाव मिल जाता है कि व्यक्ति चाहे कहीं पे भी हो या फोन करेगा, दूर बैठा है तो अगर आपके आसपास है तो आपके पास आ ही जाएगी। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ समर्पण की भावना, विश्वास की भावना, और आपको पूरे पूरे ईमानदारी के साथ इस प्रयोग को सही तरीके से करना, नियम को पालन करना। तो करना यह है कि रात्रि में सोने से पहले इस क्रिया को करना है, और इसे जैसे इसका प्रभाव आपको पहले ही दिन दिख जाए तब भी आपको पूर्ण रूप से इसे 5 दिन करना ही है। 5 दिनों में तो आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अर्थात जिस प्यार को पाने के लिए, जिस व्यक्ति को पाने के लिए संकल्पित होकर कर रहे हैं वो तो समझ जाइए आपका हो ही जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब सोता है तो याद रखिएगा, उसके दिमाग में जो विचार और जो याददाश्त होती है, जो वह सोने से थोड़ा सा पहले जो मन में रखकर सोता है, वही उसके रात्रि में पूरी तरह से दिमाग में घूमता है और वही उसके सपने में आता है, या फिर वही चीजें उसके रात्रि की जो एनर्जी उसको प्रभावित करती है। तो आप ऐसी चीज लेकर सो रहे हैं जिसे आप चाहते हैं, तो जब आप चाहेंगे तो वो पूर्ण रूप से वाइब्रेशन क्रिया, एक स्पंदन क्रिया के रूप में परिवर्तित होकर वह ऊर्जा जो है उस चीज को खींच लेगा जिसे आप चाहते हैं। यह प्रमाणित है, वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इसे आप खुद प्रयोग करके लाइव समझ सकते हैं, और इसमें ऐसा है कि आपको कहीं किसी भी प्रकार से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यह क्रिया ऑटोमेटिक अर्थात खुद ब खुद हो जाता है, बस आप सोए हैं वह क्रिया हो रहा है। तो करना क्या है, जैसे ही आप सोने वाले रहेंगे, बेड में जाने के बाद नींद आने वाला है, तो उस व्यक्ति के फोटो को अपने साथ अपने पास रखना है, देखना है 5 मिनट, और उसके बाद इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करिए और पानी को रखिए गिलास पीने का, और बस सो जाइए। छोटा सा क्रिया है और आप इसका बस फायदा उठाइए, अर्थात सदुपयोग करिए। अगर वाकई में जिसको चाहते हैं, जिसे शादी करना चाहते हैं, उसके लिए दुरुपयोग ना करें। और मंत्र इस तरह से उसे ध्यान से सुनिए। ओम परिम प्रियम देहि फट। और अगर समझ में नहीं है तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ काली।